आने वाले टाइम में 21 तारीख का हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने कॉल किया है, अगर तब तक कुछ फैसला नहीं होता है तो उसके बाद हम कोई बड़ी कॉल ले सकते हैं। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हम कॉन्टेक्ट में है और बड़ी कॉल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद। महिला पहलवान खिलाड़ियों के लिए आखिरी दिन होगा, ब्रिजभूषण चरण सिंह के लिए भी आखिरी दिन होगा, क्योंकि अब जो ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर मौजूद था, अब ये आंदोलन देशव्यापी राष्ट्रीय स्तर के तौर पर इस आंदोलन को देखा जाएगा, जिसमें तमाम लोग समर्थन करते हुए महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। यहाँ पर आपको बता दें कि महिला पहलवान खिलाड़ियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि 21 मई का इंतजार है, अगर 21 मई तक सरकार अपनी चुप्पी नहीं तोड़ती है, दिल्ली पुलिस कोई भी सबूत यहां पर इकट्ठा नहीं करती है, ब्रिजभूषण चरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ऐसे में वो सीधे यहां पर रामलीला मैदान पहुंचेंगे और यहां पर ये बहुत बड़ा आंदोलन देखा जाएगा और इस आंदोलन के जरिए तमाम लोग यहां पर ब्रिजभूषण को घसीटते हुए लाएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिन चंद्रशेखर आजाद महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर उनका सहयोग दिया और ये कहा कि अब आपको रामलीला मैदान कूच करना चाहिए। तो ऐसे में साक्षी मलिक का बयान सामने आया है, जो इस आंदोलन का नेतृत्व करती हुई नजर आ रही है और ब्रिजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगा रही है। साक्षी मलिक ने कहा है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही रामलीला मैदान पहुंचेंगे और 21 मई का इंतजार है, अगर 21 मई तक यहां पर कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है तो सड़कों पर भोकाल दिखाई देगा ब्रिजभूषण चरण सिंह के खिलाफ। यहां पर ब्रिजभूषण को अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि जब जब आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन बन जाता है और जब सड़कों पर सरकार नाउम्मीद हो जाती है, तब यहाँ पर सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी होती है। तो ऐसे में मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिजभूषण चरण सिंह के खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। चंद्रशेखर आजाद को भी दिल्ली पुलिस वहाँ रोकती हुई नजर आई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को कहा गया था कि आप ज्यादा समय तक वहाँ नहीं रुकेंगे, तो चंद्रशेखर ने उनकी बात मानी और वहाँ पर गए, महिला पहलवान खिलाड़ियों को समझाया और 21 मई की लास्ट तारीख दी और ये कहा कि रामलीला मैदान जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर जाइए, क्योंकि जंतर मंतर पर बैरिगेटिंग की गई है, लोहे की सरिया लगाई गई है, कई तरीके से चौबंदी की गई है ताकि यहाँ पर ये बड़ा आंदोलन ना बन सके, इसलिए अब रामलीला मैदान जाती हुई यहीं पर महिला पहलवान खिलाड़ी नजर आएंगे। अब आपको क्या लगता है कि महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।